सामने भी दिखाइए ना कितना अच्छा लगता है, भी किया करो। सुनो ना सर, का खराब है वहाँ के कुछ एक दो ढाबे के लोगों ने उस बस स्टॉप को ढाबा का दुकान बना दिया। ट्रैफिक टीम पूरी फेल है, दिन ट्रैफिक इंचार्ज साहब आप निकलो अपने ऑफिस से बाहर, मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हैं पाँच वाले लीटर दूंगा, मैं तीन वाले लीटर दूंगा, और मीटिंग खत्म होने के बाद कोई वॉलंटियर पता नहीं क्या। अरे बन करके वॉलंटियर्स काम किया रोड के ऊपर, क्रेडिट लेने के लिए। अरे छोड़िए, क्रेडिट नहीं चाहिए हमें, काम चाहिए। और जो आज ये पत्रकार भाई लोग सवाल उठा रहे हैं, अश्विन भाभी इस सवाल में सच्चाई है, सुधार नहीं होता है तो यहाँ के जो इंचार्ज है ट्रैफिक के इनका तबादला किया जाए। अभी भाई अभी आपने बस स्टैंड लगाया है, कहाँ पर ये लगाया है? आज हमारा दौरा हमारे तमाम साथियों का और ख़ास करके यहाँ के मुकामी एक्स कॉरपोरेटर्स लोगों का, हम लोगों का दौरा आज फिलहाल कौसा के कब्रिस्तान के गेट पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। कुछ वक्त पहले हम कौसा गांव के नाके पे थे, वहाँ पे कौसा गांव के तमाम मुकामी लोग, वहाँ के ट्रस्टियान और हम सब लोगों ने मिल करके वहाँ पे एक बस स्टॉप लगाया है। देखिए ये छोटा काम लगता होगा कि एक इलाके शमीम भाई ने बस स्टैंड लगा दिया है तो उसके लिए भी खड़े हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी पहचान छोटे काम से ही होना चाहिए, और अगर छोटे काम हो जाएंगे तो शहर के बड़े काम भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। तो आज कहीं ना कहीं कौसा कब्रिस्तान पे बस रुके, यहाँ पे बहुत सारे लोग शुएब भाई मुमरा रेलवे स्टेशन से आते थे मिट्टी देने के लिए किसी को, या किसी को एमएमएली कब्रिस्तान जाना था तो उनको रुकने के लिए प्रॉब्लम्स होती थी, उनको रिक्शे के लिए प्रॉब्लम्स होती थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ के मुकामी नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब, जफर भाई, नेहा मैडम, जावेद मेडिकल साहब, हमारी भाभी अश्विन राउत साहब यानी इब्राहिम राउत साहब, शुएब भाई भी सामने अलमास कॉलोनी में रहते, तमाम लोगों ने, गुड्डू खालू और तमील भाई, तमाम लोगों ने मिल करके हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग यहाँ पर एक बस स्टॉप बनाएँ और यहाँ पे आवाम को आने जाने की फैसिलिटीज़ मिले। इसी तरीके से आज दो लगा है, और मैं आपसे वादा करता हूँ राउत साहब, इब्राहिम भाई, कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, मेरे कार्यकाल की बात करता हूँ मैं, ये बहुत जल्द इन दोनों कौसा गांव के बस स्टॉप पे और कौसा कब्रिस्तान के बस स्टॉप पे, गणेश तुम भी यहाँ खड़े हो, कौसा गाँव के मुकामी हो, ये यहाँ पे दो शेड बस स्टॉप बहुत जल्द आने वाले हैं, शेडेड बस स्टॉप यहाँ लगेंगे। भाभी यहाँ से जाने वाली हर बस यहाँ रुकेगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए 70 नंबर जो बस है वो खिड़काली टू चंदनी थाने, और 74 नंबर है दिवा टू थाने, यानी जब दिवा से जाएगी तो वहाँ रुकेगी बस स्टॉप पे कौसा गांव के। बस नंबर 75 भारत गेट टू मीरा रोड, यानी वो भी वहाँ रुकेगी कौसा गांव के बस स्टॉप पे। उस तरीके से भारत गेट टू मुमरा रेलवे स्टेशन यानी 78 नंबर, ये हमारी एक मांग थी भाभी, हम लोग ये चाहते थे कि एक बस लोकल सिटी में चले, तो ये जो 78 नंबर है जावेद भाई, ये बस चलेगी सिटी के अंदर, यानी भारत गेट टू मुमरा स्टेशन। जमील भाई तो समय भाई शेड वाला आप बता रहे हैं बस स्टॉप लगाया जाएगा, जो लगे हुए हैं उनकी हालत काफी खराब है, जैसे साहब मुल्कत पे है पूरा वहाँ पर खराब हो चुका है, वो स्टॉप रुका ही नहीं वहाँ पे। एक सामने भी दिखाइए ना कितना अच्छा लगता है, जो खराब आप ना इस्लामुद्दीन भाई सिर्फ खराब की बात मत किया करो, कभी अच्छी बातें भी किया करो। सुनो ना सर, कभी ये भी बोलो कि अगर ये अलमास कॉलोनी के अंदर यहाँ बस स्टॉप लगा हुआ है, खूबसूरत है, देखिए खूबसूरत है, हाँ वो है, लेकिन जो खराब है वो जो खराब है वहाँ के कुछ एक दो ढाबे के लोगों ने उस बस स्टॉप को ढाबा का दुकान बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि अपने ढाबे का धंधा ढाबे में रखो और बस स्टॉप को काम करने दो, बस स्टॉप का। सर मुमरा शहर में इतनी धांधली कैसे होती, मतलब प्रशासन इतनी सक्षम नहीं है? नहीं, ट्रैफिक ढाबा बना देता, ट्रैफिक टीम पूरी फेल है। मैं कमिश्नर साहब से ये मांग करता हूं कि जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं उन्हें आप कहें कि सबसे पहले उतरे रोड के ऊपर और शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करें, वो तो जब मालूम पड़ता है तो साहब बाहर ही रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साहब आप अपनी गाड़ियों में से बाईपास से जाते हो ना, आप किसी दिन ट्रैफिक इंचार्ज साहब आप निकलो अपने ऑफिस से बाहर और अपनी टीम को लो। सुनिए ना सर, बात किया है तो सुन लो पहले, बात नहीं मिली आप।
जब ट्रैफिक का मामला आता है आप लोग लेकर मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं, फिर आप लोग बोलते मैं 5 वॉलंटियर दूंगा, मैं 3 वॉलंटियर दूंगा, और मीटिंग खत्म होने के बाद कोई वॉलंटियर पता नहीं कहाँ। अरे आप लोग जो है बेबाकी से शमीम खान बोलता है, आप लोग कानूनी तौर पर क्यों नहीं क्या करेंगे, हम कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर है क्या साहब? तो उससे बढ़ाने की मांग करिए। सुनिए ना सर, आप बात सुनिए, उनके सुनिए जब भी ऐसा नहीं है, जब भी रमजान का सुनिए सर, जब भी रमजान का महीना आया, जब भी गणपति जी का त्योहार आया, हमेशा हम लोगों ने, हमारे तमाम साथियों ने बनकर के वॉलंटियर्स काम किया रोड के ऊपर, क्रेडिट लेने के लिए। अरे छोड़िए, क्रेडिट नहीं चाहिए हमें, काम चाहिए। अरे सुनिए ना सर, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और हम लोग सुनिए और आज भी, अरे सुनिए इस्लामुद्दीन भाई, आज भी कितने वॉलंटियर्स रोड पे खड़े हुए हैं, कभी जरा आपका कैमरा वहाँ भी दिखा दीजिए, प्रहार टाइम्स का, आप वहाँ नहीं दिखाते हैं, दिखाइए आप। और सुनिए और उनको पूछिए कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे वॉलंटियर्स, वो लोगों को यहाँ पे किसने रखा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सच्चाई इसमें क्या है। अरे मुंह से कुछ भी बोलने से, सुनिए पहले मुंह से, अरे अभी चलो ना, सुनिए, ये आप रिक्शे वालों को बोलिए, ये रिक्शे का इंचार्ज शमीम खान नहीं है, जो रिक्शा यूनियन का इंचार्ज है उसे मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो इन पे ध्यान दें, और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर आप निकलो अपने ऑफिस के बाहर। और जो आज ये पत्रकार भाई लोग सवाल उठा रहे हैं, अश्विन भाभी इस सवाल में सच्चाई है, उनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्याएं हो रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जावेद भाई कि ट्रैफिक टीम फेलियर है। मैं कमिश्नर साहब से इसकी मांग करता हूं कि अगर ये सुधार नहीं होता है तो यहां के जो इंचार्ज हैं ट्रैफिक के, इनका तबादला किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए हमारे शमीम भाई बेचारे हमेशा शहर की अच्छे अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बेचारे हमेशा बातें सुनते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने शहर के लिए हमेशा खड़े भी रहते हैं। उन्होंने हमेशा अपने शहर के लिए, जैसे अभी वो परिवहन समिति के सदस्य बने, तो उन्होंने जो है इतनी मेहनत की कि वहाँ पे जो लड़ झगड़ के, अभी देखो बस के लिए हमको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, आज आए दिन शमीम भाई कहीं ना कहीं, मतलब कोई ना कोई नई बस के लिए जो है कि अभी बस स्टॉप नहीं थे तो बस स्टॉप के लिए मेहनत किए, उसके बाद में दीवा से लेकर मुमरा तक की बस, और फिर वो आगे तक की बस, जो भी अभी नंबर उन्होंने बताए, और बस के लिए वो भी हमेशा जद्दोजहद करते रहते, काम करते रहते। अभी आपने जो उनसे सवाल किया ट्रैफिक के ताल्लुक से, तो ये सवाल आपको ट्रैफिक इंचार्ज से करना चाहिए, वो तो बेचारे अपने तरीके से जो है मेहनत करते रहते हैं। जितने हैं उतने तो काम करें पहले, अरे जितने हैं उतने तो काम करें पहले, जितने वो भी काम नहीं करते। जावेद भाई आप ट्रैफिक इंचार्ज की बात करते ना, यही ट्रैफिक इंचार्ज वाले जब रॉन्ग में मारो तो पैसा लेने पहले खड़े होते, तो जो इनकी ड्यूटी है ये क्यों नहीं करते? नहीं, अभी शील फाटा कल्याण फाटा की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही तरफ सब खड़े रहते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता रहती है कि कहाँ पे ट्रैफिक कैसी जमा होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना रहता है, लेकिन जब उनको काम रहेगा तो वो बराबर जाके वहाँ पे खड़े रहेंगे, जब नहीं रहता तो अभी किसी के बारे में हम क्या बोले, हमें से ज़्यादा आप मीडिया वाले जानते। लेकिन फिर भी मैं शमीम भाई का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है और शहर के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं, इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज भी उन्होंने मेरी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक बस स्टॉप दिया है, कौसा गांव के नाम पे एक बस स्टॉप दिया है, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ।